हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को भी मैं स्कूल ले चलूंगी और आपको पता ही है कि जब मैं आपको स्कूल ले जाती हूँ तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है। तो आज भी कुछ स्पेशल होने वाला है, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ स्कूल चलिए। आज हमारे स्कूल में हो रही है कुकिंग क्लास। तो फ्रेंड्स, मिलिए हमारे स्कूल की मास्टर शेफ से, जो कि कुकिंग की शौकीन है, और ये उनकी मैम है कुकिंग की। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई एम फ्रॉम 11th क्लास। माय नेम इज़ पूजा एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पिज़्ज़ा, हाउ वी कैन मेक इंस्टेंट पिज़्ज़ा एट होम। हेलो, आई एम प्रियंका, मैं होम साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं आज इंस्टेंट पिज़्ज़ा सीख रही हूँ। सो हेलो, आई एम पूजा एंड फ्रॉम 11th क्लास, मैं आज इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना सीख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलिए हमारे स्कूल की मास्टर शेफ से। हाय, आई एम दीपा दत्ता, आई एम इंग्लिश एंड होम साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू, मैं आपको आज इंस्टेंट पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है वो सिखाना चाहती हूँ। और कहते हैं कि दिल का दिमाग का रास्ता पेट से होकर जाता है। बिल्कुल। तो और आज के जो हमारे जो हालात हैं, क्योंकि तो न्यू जनरेशन बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें कुकिंग बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। तो लड़की और लड़कियों में बिल्कुल फ़र्क नहीं करना चाहिए, कुकिंग में उनको बिल्कुल आना चाहिए। 10th के बाद सब बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं और वहाँ पे अकेले हो जाते हैं, इसलिए एज ए मदर होने के नाते जो भी इस वीडियो को देख रही है, मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगी और मैम भी ये मैसेज देना चाहती हैं कि सब उन बच्चों को कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए, सभी बच्चों को, लड़कियाँ नहीं लड़कों को भी ज़रूर आनी चाहिए। सो गाइस, ये हमारे स्कूल के होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कि कुकिंग की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। तो ये आज दीपा मैम से ये लड़कियाँ आज इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना सीख रही हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो भाई सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, चाहे भूख लगी हो ना लगी हो, पर पिज़्ज़ा तो खा ही लेंगे। माय होम साइंस टीचर मिसेस दीपा दत्ता मैम विल टीच अस हाउ टू मेक इंस्टेंट पिज़्ज़ा एट होम। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस हम लेते हैं, जो कि हमारा मुख्य इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस लेते हैं, जो कि रेडीमेड हम लेकर आए हैं। उसके बाद मोज़रेला चीज़ दो प्रकार से मिलते हैं, एक तो आपको पीस स्लाइस के हिसाब से मिलेगा और ये आपका बिल्कुल कटे हुए रूप में मिल रहा है। और उसके बाद है ये हमारी काली मिर्च पाउडर है ज़रा सा, उसके बाद है ये चीज़ जिसको हमने डाइस में छोटे छोटे इस तरह टुकड़ों में काटना है, उसके बाद टमाटोज, अनियंस और कैप्सिकम, इनको हमें कढ़ाई में किस तरह से बना के पका के उसके बाद इस पिज़्ज़ा पे हम इसको लगाएंगे और ये जल्दी ही तैयार हो जाता है और ज़्यादा समय नहीं लेता है, एक्सप्रोक्सीमेटली 5 या 10 मिनट्स लेता है। उसके बाद आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और ये जो दीपा दत्ता मैम है ना, ये हमारे स्कूल की बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं और बहुत पुराने टीचर भी हैं। पिज़्ज़ा किसको किसको अच्छा लगता है? आहा, फ्राई पसंद है तो हम फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही कच्चा पिज़्ज़ा के ऊपर ही टॉपिंग करेंगे। देखिए ये बहुत नरम हो गया है, अभी पिज़्ज़ा बेस पे लगाने के लिए रेडी हो गया है। अब जैसे ही रेडी हो जाता है तो हम इसके ऊपर हम टमाटो डालेंगे और टमाटो बिल्कुल गलना नहीं चाहिए, खड़ा इसमें काली मिर्च स्वाद अनुसार। अब ये बिल्कुल पककर तैयार हो गई हैं,
वॉक कर देती। ये हमारा सॉस सारी जगह से चारों तरफ से स्प्रेड हो चुका है अच्छे से। उसके बाद हमने जो कढ़ाई में अपना सब्जी रेडी किया था उसको हम फैला लेंगे। कुछ चीज़ क्यूब्स हैं, हम चीज़ क्यूब्स फैला लेंगे। और देखिए बच्चे बड़े उत्सुक होकर सीख रहे हैं, देख रहे हैं। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैम सिखा रही हैं? सिखा रही हैं जो समझ में आ गया सबको? अब बना लोगे घर पे? यस मैम। मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। तब तक हमारा तवा गरम हो चुका है। और इस पिज़्ज़ा इंस्टेंट पिज़्ज़ा के लिए हमें दो तवे की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये लोहे का तवा, उसके बाद ये हमारा नॉनस्टिक तवा, क्योंकि अगर हम नॉनस्टिक तवा रखेंगे तो ये पिज़्ज़ा बेस हमारा जलने का चांस रहता है। तो सबसे पहले मैंने लोहे का तवा डाला है, उसके बाद मैं नॉनस्टिक तवा रख दूंगी तो ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तवे के ऊपर तवा है ना मैम? तवे के ऊपर तवा रख। तवा गर्म होने पर मैंने ये पिज़्ज़ा बेस डाल दिया है और दूसरी थाली से मैं इसको ढक दूंगी करीब 2 या 3 मिनट तक। उसके बाद ही हमारा मोज़रेला चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। आज घर जाके बनाने वाले हो बेटा आप लोग भी? yes. बनाना ज़रूर, अपने छोटे भाई बहन को खिलाना, अपने मम्मी पापा को। yes. अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा रेडी है। वाह, देख सकते हैं आप लोग हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और ये दूसरा अब बनने जा रहा है। क्या आप लोग बताओ आपको दीपा मैम कैसी लगती है? दीपा मैम और कैसे दीपा मैम की कुकिंग? मैम इज़ रियली गुड बाय हार्ट एंड बाय नेचर। शी ऑलवेज अप्रिशिएट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास टू पार्टिसिपेट इन कुकिंग एंड वी लव हर अलॉट। And we are master chef only by name, but she is really master chef. Thank you, ma'am. बिल्कुल सही बेटा, सही बोल रहे हैं, हमारी master chef हैं, बिल्कुल। Thank you all of you. और ये प्यारे बच्चे इन्होंने मेरे को इतना सराहा और मेरी कुकिंग सीख रही हैं और हमें बात कर रही हैं। I really appreciate all of them. Thank you so much. बच्चों इतना मेरे को प्यार दे रही हैं और बड़ी लगन से सीख रही हैं और अपने घर पे होमवर्क करते हैं, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा रिस्पांस होता है, वही मेरी गुरु दक्षिणा है कि ये बच्चे आगे जाकर अपने घर पे मेरा बनाया हुआ रेसिपी बनाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और इनके पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं संगम मैम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और इनका हैप्पी टीचर्स ब्लॉग्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सभी करें और इनके चैनल को आगे बढ़ाएं और इनकी वजह से आज हमारी कुकिंग आप लोगों के सामने है और ये बच्चे जो हैं इनका भी हौसला बढ़ाइए और मैम का तहे दिल से फिर से थैंक यू। थैंक यू मैम, संगम मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हैप्पी टीचर्स ब्लॉग।